राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर शाम 5 बजे तक औसतन 55.80% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को अधिकतम सीटें मिलने से यह सुनिश्चित होगा कि वह केंद्र में विपक्षी गठबंधन को सरकार बनाने में मदद करेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए अपनी अवकाश पीठों के समक्ष जूनियर वकीलों को बहस करने की अनुमति देने के महत्व को संबोधित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की। गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर इस्लामिक स्टेट के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में भारत राष्ट्र समिति एमएलसी के कविता को राहत नहीं मिली। मेट्रो स्टेशन पर लिखी मिली धमकी, आपका आरोप सीएम केजरीवाल पर हमले की हो रही साजिश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने पीपलेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, दिन में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहने के अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में एक साथ होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार करने राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी कड़ी में पीएम ने ढेंकनाल में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने बीजत सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजत सरकार के 25 साल के कार्यकाल में किसान परेशान, नौजवानों को नौकरी नहीं, ओडिशा से पलायन बढ़ा है। वहीं पीएम ने बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की चर्चा की और कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमने नई खनन नीति बनाई, इसके तहत ओडिशा को रॉयल्टी मिलती है। साथ ही पीएम ने ओडिशा में डबल इंजन की सरकार के लिए भाजपा उम्मीदवारों को वोट देने की भी बात कही। हमारा ओडिशा कला का धाम है, हर परिवार में कला है और इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बना के लाते हैं सब, लेकिन इसके साथ आप अपना प्यार भी लेके आते हैं, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, मैंने अपना जीवन का लंबा समय पार्टी के संगठन के कार्य के लिए खपाया है और मैं संगठन की बारीकियों को बहुत भलीभांति जानता हूं। चुनाव के इस समय में दुनिया के कई एक्सपर्ट देश के कोने कोने में जा रहे हैं, वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं, भारत के लोकतंत्र के उत्सव को एंजॉय कर रहे हैं। वो भारत के मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। हर कोई हैरान है, हर कोई चकित है। ये जन समर्थन, जनता जनार्दन का ये आशीर्वाद हर कोई मोदी सरकार को तीसरी बार वापस लाना चाहता है। साथियों, आपने बीजेडी सरकार पर 25 साल भरोसा किया है, आज पूरा ओडिशा ये आत्ममंथन कर रहा है कि इन वर्षों में ओडिशा के लोगों को क्या मिला। आज भी यहां किसान परेशान है, आज भी नौजवान छोटे छोटे काम के लिए दूसरे राज्यों में जाता है। हद तो ये है कि आदिवासी क्षेत्र जहां जल, जंगल, जमीन है, खनिज संपदा है, वहां सबसे ज्यादा बेहाली है और इन्हीं इलाकों से सबसे ज्यादा पलायन होता है। मोदी ने 2014 में, जब से आपने सेवा करने का अवसर दिया, हमने नई खनन नीति बनाई। इसके तहत
ओडिशा को ज्यादा रॉयल्टी मिलती है। मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया ताकि यहां से निकलने वाले हर खनिज का एक हिस्सा यहीं विकास में लगे, यहां रहने वाले लोगों को लाभ हो। साथियों, बीजेडी के राज में न तो ओडिशा की संपदा सुरक्षित है और न ही ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। इसलिए ओडिशा की महिलाओं के लिए भाजपा ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। भाजपा की सुभद्रा योजना ओडिशा की हर बहन को बहुत मदद करने वाली है। मोदी आपके घर का बिजली बिल जीरो करने के लिए भी काम कर रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का तेजी से विस्तार हो रहा है। आप अपने घर पर सोलर पैनल लगाएं, इसके लिए मोदी सरकार आपको 75,000 रुपये से ज्यादा दे रही है। इससे बने 300 यूनिट तक बिजली आप मुफ्त इस्तेमाल करेंगे और बाकी बिजली बेचकर आपकी कमाई भी होगी। साथियों, ओडिशा में डबल इंजन की सरकार के लिए भाजपा के उम्मीदवारों को एमएलए भी सबको चुनना है और यहां एमएलए चुनकर भुवनेश्वर भेजिए और साथ ही ढेंकानाल से मेरे बहुत पुराने मित्र, सबको आश्चर्य होगा 40 साल से हमारी दोस्ती है, ऐसे रुद्रनारायण पाणी जी 40 साल से मेरा नाता है इनसे, और संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान को रिकॉर्ड वोटेज से जिताकर दिल्ली भेजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल हरियाणा में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के कई कार्य हुए हैं। हमारी सरकार ने हरियाणा के जवानों और खिलाड़ियों के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने हरियाणा में खट्टर सरकार की प्रशंसा की और कहा कि मनोहर लाल खट्टर का हरियाणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं शाह ने हरियाणा की जनता से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की भी बात कही। भाइयों बहनों, आज मैं इस लोकसभा चुनाव शुरू होने के बाद पहली बार हरियाणा में आया हूं और दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में आया हूं। पूरी हरियाणा की जनता को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हरियाणा पूरे देश की भूख भांगने वाले कुछ राज्यों में से एक है। देश भर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे हरियाणा के किसानों का है। इसके साथ साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा, आज हम निश्चिंत होकर चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि मेरा हरियाणा का वीर जवान सीमा पर भारत माता की रक्षा करता है। और तीसरा, खेल कोई भी हो, खेला कहीं भी जाता हो, राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, मेडलों की सूची देखिए तो मेरे हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ी नंबर 1 दिखाई पड़ते। और ये तीनों के लिए हमारे मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए। सबसे पहले इतने सालों से 1 रैंक 1 पेंशन हमारे जवान और उनके परिवार मांगते थे। कांग्रेस सरकार 40-40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन का मसला हल नहीं करती। हरियाणा वालों, मोदी जी ने आपने 14 में प्रधानमंत्री बनाते ही पहली ही टर्म में 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, खेलों के लिए भी ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं,
पारदर्शी चयन और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। इसका सबसे बड़ा फायदा मेरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने उठाया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने, भाइयों बहनों, आज मैं जब आया हूं तब यहां से हमारे प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। ये मनोहर लाल जी 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा की सेवा की, और अब पार्टी ने तय किया है कि वो दिल्ली में देश और भाजपा की सेवा करने का काम। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं बड़े मन से, क्योंकि मनोहर लाल जी की विदाई हो चुकी है और सैनी साहब मुख्यमंत्री बन गए, मगर मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा में नौकरी बेचने का कारोबार बंद करने का काम अगर किसी ने किया तो मनोहर लाल जी ने किया। हर गांव में पोस्ट से अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाले युवा आज हमें दिखते हैं, और हरियाणा को विकसित बनाने का काम अगर किसी ने किया तो मनोहर लाल जी, ऊपर नरेंद्र मोदी जी, नीचे मनोहर लाल जी। हरियाणा को ढेर सारी सौगातें मिली, 7 आईआईटी मिले, 7 आईआईएम मिले, देश भर में 7 आईआईएम खुले, 15 नए एम्स खुले, 390 यूनिवर्सिटी खुली और 700 मेडिकल कॉलेज हुए। और यहाँ खट्टर जी ने 12 एक्सप्रेसवे दिए, 77 कॉलेज खोले, 13 यूनिवर्सिटियां दी, 8 मेडिकल कॉलेज खोले, 2 नए एयरपोर्ट दिए और 16 नए अस्पताल खोलने का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। पूरे हरियाणा को ये 10 साल के अंदर विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, इस बार मैं आप सब से, समस्त हरियाणा वासियों से करबद्ध निवेदन करने आया हूं, एक भी सीट छोड़ना मत, सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालिए। और एक युवा मुख्यमंत्री को मैं आपके सामने प्रत्याशी ये नाते लेकर आया हूं, इसको आपका आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है मनोहर जी ने जो गाड़ी एक गंतव्य तक पहुंचाई है, इसको स्टेशन तक पहुंचाने का काम हमारा नायब सैनी करेगा, नायब सैनी करेगा। नई दिल्ली में दिल्ली पीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली की स्थिति को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए खेड़ा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता की स्थिति बेहद खराब स्थिति में है, श्रमिकों और स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों की स्थिति दयनीय है। वहीं उन्होंने दिल्ली में पूर्व सीएम शीला दीक्षित के कार्यकाल की चर्चा की और कहा कि दिल्ली का कायाकल्प करने का काम उन्होंने किया। खेड़ा ने पिछले 10 सालों में दिल्ली की स्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और केंद्र सरकार से कुछ सवाल पूछे। देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली के जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। दिल्ली प्रतिबिंब है पूरे देश में जो हो रहा होता है उसका। आज अगर श्रमिकों की स्थिति, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले हमारे भाई बहनों की स्थिति दिल्ली में दयनीय है, तो आप समझ लीजिए कि ये प्रतिबिंब पूरे देश का है। पूरे देश में क्या हो रहा है पिछले 10 साल से, वो दिल्ली को देखकर आपको आभास हो जाता है। हमारे नौजवान नेता राहुल गांधी बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, न्याय। वो अपने आप में एक शब्द नहीं है, वो निचोड़ है हमारे संविधान का, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का, और इस देश की, इस सभ्यता की, इस संस्कृति की जितने भी मूल मंत्र हैं उन सब का निचोड़ इस एक शब्द में है, न्याय। जब राहुल जी 4000 किलोमीटर पसीना बहाते हुए इस देश की सड़कों पर चले और जब दिल्ली पहुंचे, आप में से कई लोग उस यात्रा में शामिल हुए थे दिल्ली में, मैंने आपको देखा भी था, यहाँ भी संवाद हुआ, अलग अलग स्तर में, अलग अलग वर्गों से, समाज के भिन्न वर्गों से उनका संवाद हुआ,
और उस संवाद से जो निकल कर आया वो हमारा न्याय पत्र है, जो हमारा घोषणा पत्र है, जिसको हम अपना अंग्रेजी में मैनिफेस्टो कहते हैं। पिछले 10 साल से ऐसा लगता है कि दिल्ली को किसी की नज़र लग गई। 15 साल दिल्ली ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया, मेट्रो आई, इतने फ्लाईओवर्स आए, प्रदूषण रहित सार्वजनिक यातायात पूरा शुरू हुआ। पूरे विश्व ने अचंभे से देखा कि ये दिल्ली कैसे कायाकल्प हो गया दिल्ली का। शायद इसी वजह से दिल्ली को नज़र लगी। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ऐसा लगता है कि वो दिल्ली से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि 1998 से लेकर आज तक दिल्ली ने भाजपा को फिर मौका नहीं दिया। 93 में एक ही बार मौका दिया था, उसके बाद 98, 2003, 2008, 2013, 2015, 2020 इतने चुनाव हो गए और भाजपा को दिल्ली ने मौका नहीं दिया, ये दर्शाता है। मैं बार बार ये सोचता हूँ कि दिल्ली को नज़र लगी। अब समझ में आता है कि ना केवल नज़र लगी है, एक बदले की भावना से ओतप्रोत केंद्र सरकार, जो बना बनाया ढांचागत जो हमने यहाँ व्यवस्था बनाई थी उसको छिन्न भिन्न करने पर आमादा है। जो योजनाएं हम लाए थे अनधिकृत कॉलोनियों पर, विशेष तौर पे मुझे याद है स्वर्गीय शीला जी चिंतित रहती थी कि इनको कैसे हम नियमितीकरण करें इनका, और भागादौड़ी करके केंद्र सरकार से भी जद्दोजहद करके, अफसरशाही से जद्दोजहद करके, विशेषज्ञों से राय मशविरा करके फिर हमने उनका नियमीकरण किया, सर्टिफिकेट्स बांटे, मूलभूत सुविधाओं की तरफ वो प्रक्रिया शुरू की। लेकिन उन सब पे पहले अर्धविराम लगा और अब पूर्ण विराम लग गया। प्रधानमंत्री उदय योजना सुना होगा आपने, यहां का जीवन झुग्गी झोंपड़ियों में अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 70% लोगों का जीवन, उदय शब्द उनका इस्तेमाल उनके लिए करना भी उनका अपमान है, क्योंकि उनके जीवन में सूर्योदय होते हुए उन्होंने नहीं देखा, अंधेरेमयी जिंदगी वो जी रहे हैं। जो धांधली उदय योजना में हो रही है रजिस्ट्री के नाम पर, आपने देखा दिल्ली की यात्रा। अब जब हम निकलते हैं दिल्ली में, आरोप प्रत्यारोप मोदी सरकार जो कर रही है, जिस तरह से न केवल एक चुनी हुई सरकार को संघर्ष करना पड़ता है, बल्कि वोटर को आप उसकी जिंदगी के विषय में सोचे बगैर सिर्फ छोटी राजनीति, हल्की राजनीति से ही आप प्रेरित हो, ये हमारा नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप है। इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए चले थे, ये आत्मनिर्भर भारत में ये स्थिति है कि 80 करोड़ लोग सरकार पर राशन के लिए निर्भर हो गए हैं। ये स्थिति 10 साल में हुई है और फिर भी हम सवाल न पूछें। इस सब का जवाब हमें अब नरेंद्र मोदी से मांगना है और वोट के माध्यम से इसका जवाब उन्हें देना भी है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। आपके वरिष्ठ नेता व मंत्री अतिशी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए अतिशी ने सीएम केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि ये केवल सीएम केजरीवाल के खिलाफ साजिश है, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उसे पूरे देश ने देखा है। जो शिकायत स्वाति मालीवाल कर रही थी वो सरासर झूठ है। वहीं अतिशी ने कहा कि पटेल नगर और राजीव चौक समेत कई मेट्रो स्टेशन पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धमकियां लिखी गई हैं। ये सभी मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। यहां पुलिस और सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी 24 घंटे मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद ये धमकी लिखकर कोई चला जाता है और अब उसे कोई ढूंढ भी नहीं रहा है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक
अरविंद केजरीवाल जी पर कोई ना कोई हमला करने की साजिश रची है। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा होती है, 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को एक फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाता है। जेल भेजने के बाद जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की दवाई बंद कर दी जाती है, अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन बंद कर दी जाती है। अरविंद केजरीवाल जी जो डायबिटीज के मरीज हैं, 30 साल से मरीज हैं और 52 यूनिट इंसुलिन लेते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को उनकी इंसुलिन दिलाने के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट के आदेश के आने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपनी दवा मिलती है। लेकिन भगवान का आशीर्वाद था, ये षड्यंत्र फेल हुआ और अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। ये दिल्ली के लोगों का प्यार था, ये दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद था, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली है, उनका 20 दिन के लिए भी जेल से बाहर आना भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में ही हमने देखा किस तरह से स्वाति मालीवाल जी को मोहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया, किस तरह से उनका इरादा था कि अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लगेंगे। हमारा मानना है कि स्वाति मालीवाल जी पर उनके एसीबी के केस को लेकर दबाव बनाया गया और उनको इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया। लेकिन वो षड्यंत्र भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जो वीडियो सीएम आवास से निकले उससे पूरे देश ने देख लिया कि जो शिकायत स्वाति मालीवाल जी कर रही थी वो सरासर झूठ है। कल दिल्ली मेट्रो के बहुत ही प्रोमिनेंट मेट्रो स्टेशंस पे, जिसमें एक मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक, दूसरा मेट्रो स्टेशन है पटेल नगर और उसके अलावा कई मेट्रो की ट्रेन्स के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ धमकियां लिखी गई हैं, उनको जान से मारने की धमकी लिखी गई है और उनको उन पर हमला करने की बात कई जगह पर धमकी के तौर पर दिल्ली भर के प्रोमिनेंट मेट्रो स्टेशंस पर लिखी गई। अब आप मुझे बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेट्रो स्टेशन जिसका चप्पा चप्पा सीसीटीवी कैमरा से कवर्ड है, मेट्रो स्टेशन का एक इंच भी सीसीटीवी कवरेज के बाहर नहीं होता, ये मेट्रो स्टेशन राजीव चौक, पटेल चौक, पटेल नगर में दिन रात पुलिस मौजूद रहती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद रहते हैं, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग होती है, लेकिन फिर भी धमकियां लिखी जाती हैं और धमकियां लिखने वाले को कोई ढूंढ भी नहीं रहा है। वो धमकी लिखने वाला ये सारी धमकियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट भी करता है। मैं जानना चाहती हूं कहां है दिल्ली पुलिस, मैं जानना चाहती हूं कहां है उनका साइबर सेल, मैं जानना चाहती हूं कहां है दिल्ली मेट्रो के सिक्योरिटी फोर्सेस। ये वही दिल्ली पुलिस है जो स्वाति मालीवाल जी के फर्जी आरोपों पर 24 घंटे काम कर रही थी, जो पूरी अपनी बटालियन लेके उनके घर चली गई थी उनके आरोप नोट करवाने के लिए, एफआईआर करने के लिए, जो जेम्स बॉन्ड की तरह हर 24 घंटे में एक बार सीएम आवास पहुंच जाते हैं, कहते हैं जी अब हमें सीसीटीवी चाहिए, अब हमें कालीन चाहिए, अब हमें सोफा चाहिए, अब हमें वीडियो चाहिए, अब हमें फलाना चाहिए। क्यों अभी तक ये धमकियां देने वाले को पकड़ा नहीं गया है, क्यों सीसीटीवी फुटेज खंगाली नहीं जा रही है? अगर हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल जैसा काम करके दिखाओ कि जब अरविंद केजरीवाल से चुनावी मैदान में सामना होगा, जब आम आदमी पार्टी से सामना होगा, तो आप इस बार दिल्ली में
7 में से 0 सीट पाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कुरुक्षेत्र को धर्म की भूमि बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी ने बदलते हुए भारत को देखा है। सीएम के अनुसार एक ऐसा भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। वहीं सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की, जिनमें वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी जैसे कार्य भी शामिल हैं। सीएम ने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जनता से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की भी अपील की। बहनों और भाइयों, इस पावन धरा की महिमा मैं कैसे गाऊं? आज से नहीं, विगत 5000 वर्षों से जिस धरा ने असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया हो, उसी संदेश का अग्रिम सूचना देने के लिए मैं आज नवीन जिंदल जी के समर्थन में रैली करने के लिए कुरुक्षेत्र में आया हूं। बहनों और भाइयों, ये धर्म भूमि है और संभवतः दुनिया की एकमात्र भूमि है जहां पर युद्ध के लिए खड़े हुए कोई दो सेनाएं युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र के रूप में संबोधित करती हो। ये केवल भारत में ही हो सकता है और भारत में ही केवल कुरुक्षेत्र में ही हो सकता है। इसलिए धर्म क्षेत्र है, क्योंकि जो युद्ध लड़ा गया था वह धर्म के लिए लड़ा गया था और 4 जून को भी जो परिणाम आने वाला है वह सत्यमेव जयते ही का संदेश देने के लिए आ रहा है। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में हमने एक बदलते हुए भारत को देखा है, बदलता हुआ भारत मोदी जी के नेतृत्व में, एक ऐसा भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। यह सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, अब कोई दुश्मन हमारी सीमाओं में घुसपैठ नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने अपनी ताकत का एहसास विश्व समुदाय को कराया है और भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में इस शांति और सुखपूर्ण माहौल को 140 करोड़ भारतीयों को एहसास करा रहा है। ये नया भारत है, यहाँ विकास भी है, बड़े बड़े विकास के कार्य हैं, हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे के अच्छे कार्य हुए हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और यही नहीं, सुंदरीकरण के कार्यक्रम किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। आईआईटी बन रहे हैं, आईएम बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है, एम्स बन रहे हैं, IIIT, NIT, ये सभी आज के नए भारत की पहचान बन रहे हैं। तो जीवन के लिए अगर ऑक्सीजन आवश्यक है तो उसके बाद आवश्यक है शुद्ध पेयजल, हर घर नल और नल में जल, यह मोदी जी पूरे देश के भारतवासियों को पिलाने का काम कर रहे हैं, उपलब्ध करवाने का काम करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले गरीब दम तोड़ता था, कहीं पर नवीन जिंदल जैसे कोई सांसद बन जाए तो वे अपने पास से सपोर्ट करते थे, तब तो उपचार हो पाता था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है मोदी जी ने, और मोदी जी ने कहा है तीसरी बार सरकार बनेगी, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। किसान को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया, 4 करोड़ गरीबों को भारत के अंदर एक एक आवास मिल गया और मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष में बाकी बचे हुए सभी गरीबों के लिए एक आवास का निर्माण करवाएंगे। मोदी जी ने तो एक ही नारा दिया था, वह दिया था सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के साथ उन्होंने भारत की सेवा की। चुनाव के दिन आप लोग सभी लोग सहमत हैं कि नवीन जिंदल जी यहाँ चुनाव जीत करके जाएं, सभी लोग सहमत हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे, करेंगे। एक, चुनाव के लिए प्रतिदिन 5 परिवार के साथ संपर्क करना, स्वयं बनना पड़ेगा, मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, घर घर जाना होगा, कमल खिलाने के लिए जनता का आह्वान करना होगा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगना होगा और जनता से कहिए कि सम्मान और सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए हमें कमल खिलाना है, नवीन जिंदल जी को चुनाव जिता के भेजना है। हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।